जय हिंद, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक सोच। सो आज हम जानेंगे कि H3N2 वायरस क्या है। H3N2 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसको इन्फ्लुएंजा ए के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह के रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से लोग हर साल इसकी चपेट में आ रहे हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस ए का पता 1960 में चला। ये पक्षी और जानवरों से म्यूटेट होकर इंसानों में फैलता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के मुताबिक 15 दिसंबर 2022 से हमारे देश में बुखार से सभी मामलों में आधे से ज़्यादा H3N2 से संबंधित निकले। सभी भर्ती मरीजों में कुल मिलाकर 52% को बुखार, 40% को खांसी और 27% को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। H3N2 से शिकार 10% को ऑक्सीजन की कमी और 60% को ICU में भर्ती करना पड़ रहा है। अब जानते हैं इसके सिम्टम क्या होते हैं। WHO के अकॉर्डिंग सांस लेने में प्रॉब्लम, ऑक्सीजन लेवल 95 से कम होना, लंग्स और पेट में प्रॉब्लम होना, बहुत ज़्यादा उल्टी, बुखार खांसी का रिपीट होना, ये सभी इसके सिम्टम्स हैं। कुछ खास केसेस में तो पेशेंट को डायरिया, नाक बहना और गले में दर्द भी हो रहा है। तो अब जानते हैं इसके प्रिकॉशंस। ऑक्सीजन लेवल 95 से कम होने पर अपने नज़दीकी डॉक्टर से कांटेक्ट करें। सेल्फ हाइजीन का खास ख्याल रखें। सिर दर्द या गले में दर्द होने पर बिना देर किए डॉक्टर से कंसल्ट करें। घर से बाहर कहीं भी जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं और सैनिटाइजर का यूज़ करें। एन अर्ली प्रिवेंशन इज़ फार बेटर देन अ लेट क्योर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।